नमस्कार दोस्तों, मैं वर्षा नोबल एकेडमी नरवाना से यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा है आपके पास धातु और अधातु, जिसकी दो वीडियोस ऑलरेडी हमने प्लेलिस्ट में डाल दिए। जो नहीं चेक की है तो अभी जाकर चेक करो। आज उसका करेंगे हम पार्ट थ्री। आज हम मेटल्स नॉन मेटल्स यानी कि धातु और अधातु को कंप्लीट करने वाले हैं, तो उसी के मद्देनजर रखते हुए चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अधातु यानी कि नॉन मेटल्स। देखिए, नॉन मेटल्स हमने कल स्टार्ट कर लिया था। काफी तत्व जो है वो हमने पढ़े थे, किस तत्व का यूज कहाँ होगा, किसका यूज कहाँ नहीं होगा, कहाँ क्या चीज लाभदायक है, कहाँ क्या चीज हानिकारक है। तो लास्ट में जहां पर हमने वीडियो को स्टॉप किया था, वहीं से हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास टॉपिक चला हुआ था, आपको थोड़ा सा मैं समराइज करवा देती हूँ, कार्बन का। थोड़ा सा माइंड के अंदर उस चीज को याद रखना, हमने टॉपिक स्टार्ट किया था कार्बन का, कि कार्बन एक अधातु है। कैसी अधातु है जो आपके पास, इसकी काफी विशेषताएं हमने पढ़ी थी। ये एक अधातु है कि आपके पास इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है, इसके जो स्ट्रक्चर है, इसका जो कोण है, वो सारी चीज हमने डिस्कस कर ली थी। अब बाकी तो कार्बन की विशेषता मैंने बताया था, इसके ऊपर एक स्पेशल चैप्टर बना है कार्बन और उसके यौगिक, तो सारी जानकारी हम उसमें शुरू करेंगे। अब कार्बन के अंदर हम क्या पढ़ा था हमने, कि कार्बन के चार अपरूप होते हैं। अपरूप यानी कि आपके पास एलोट्रोप्स, हमने पढ़ा था कि कार्बन के चार अपरूप होते हैं यानी कि चार एलोट्रोप्स। चारों एलोट्रोप्स के नाम पढ़े थे। सबसे पहला था आपके पास हीरा यानी कि डायमंड। अच्छा, दूसरा आपके पास क्या था, ग्रेफाइट। तीसरा आपके पास था ग्रेफिन, और फोर्थ आपके पास था बकमिनिस्टर फ्लोरेंस। हमने इनके नाम, इनका थोड़ा थोड़ा सा इंट्रो, वो चीज लास्ट वीडियो में किया था। अब यहीं से हम हमारे टॉपिक की, हमारी वीडियो की शुरुआत करते हैं। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी आपकी और आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जहां से हमने छोड़ा था, कार्बन के चार अपरूप होते हैं। और चीज याद रखनी है कि कार्बन के कितने एलोट्रोप्स होते हैं, चार। इट हैज फोर एलोट्रोप्स। सबसे पहले आपके पास आएगा, याद रखना, एलोट्रोप्स। सबसे पहला था आपके पास हीरा यानी कि डायमंड। अब देरी ना करते हुए, चारों का इंट्रो भी मैंने आपको पिछली वीडियो में दिया था, जैसे कि मैंने अभी बताया, तो हम हीरे से ही स्टार्टिंग करते हैं। देखो, हीरा जो है डायमंड, आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है कि हीरा क्या होगा मैडम, हीरा किसे कहेंगे, क्योंकि हीरे की विशेषता, हीरे के बारे में हमें क्या आइडिया क्या है, कि हीरे का यूज हम हमारे आभूषण यानी कि ज्वेलरी में करते हैं। अच्छा, हीरा जो है वो, पहले तो क्या याद रखना है, इसे कोयले की खानों में उच्च ताप और उच्च दाब, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर दोनों की प्रेजेंस में आपके पास क्या तैयार होगा, हीरा। और हीरा तैयार होता है तो हम क्या पढ़ते हैं कि जो डायमंड है वो आपका बहुत हार्ड, बहुत कठोर होता है। वो कठोर किसकी वजह से है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से। तो उच्च ताप और उच्च दाब यानी कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, क्या नोट करोगे, इसे कोयले की खानों में उच्च ताप और उच्च दाब की उपस्थिति में बनाया जाता है, जिसके कारण यह है आपके पास, जिसका रीजन क्या होगा कि डायमंड जो है वो बहुत हार्ड, बहुत कठोर है, तो जिसके कारण यह कठोर होता
है। एक तो बच्चों ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो हीरा है, जो डायमंड है, आपके पास क्या विशेषता है कि सबसे पहले तो वो हार्ड है, वो कठोर है। अब हार्ड क्यों है? डायमंड तो हम देखते हैं, पढ़ते हैं अभी, हाँ वो चीज कठोर है क्योंकि उसे हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर पर क्या किया जाता है, उसे हीट किया जाता है, पकाया जाता है। अच्छा दूसरी क्या चीज आपको मेन याद रखनी है इसके कठोर रहने की? अगर हम एंगल यानी कि कोण की बात करें हीरे की, देखो आकृति आपके पास कुछ इस प्रकार से होती है। एक तो हीरे की आकृति आपको याद रखनी है, उसका जो आकार है, उसका जो कोण है, एंगल है, वो एंगल एक ऐसा एंगल है जिस पर दुनिया की अगर आप कोई भी चीज बनाओगे वो मजबूत नेचुरली होगी ही होगी। और वो चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो इसका एंगल होगा, एंगल यानी कि कोण, वो होता है आपके पास 109 डिग्री 28 मिनट का। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है कि ये कोण जो है वो आपके पास पूरे विश्व, पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रोंग एंगल है। तो यहां क्या लिखोगे? ये कोण विश्व का, ये कोण विश्व का सबसे मजबूत कोण होता है। तो इस चीज को याद रखना है कि ये एंगल पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रोंग एंगल है। चलो ये बात तो आपके पास डायमंड के कठोर पने की थी कि वो कठोरता उसके अंदर किसकी वजह से है। दूसरा हमसे क्या पूछा जाता है कि जो हीरा है यानी कि डायमंड, वो बिजली कंडक्ट करवा सकता है या नहीं करवा सकता, यानी कि वो सुचालक है या फिर कुचालक है। तो आप यहां क्या ध्यान दोगे कि हीरा विद्युत और ऊष्मा का यानी कि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का कुचालक होता है। यानी हम क्या कह सकते हैं, इट इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीरा कभी भी बिजली पास नहीं करवा सकता। दूसरी चीज आपको हीरे की क्या याद रखनी है कि आपके पास मान लो ये चीज है हीरा। अब हीरे के अंदर क्या है, लाइट पास होगी। अब लाइट पास जब होती है तो क्या होती है, लाइट कभी भी उसको क्रॉस नहीं करती, उसके अंदर ही घूमती रहती है। वैसे तो ये रीजन, ये चीज आपकी आएगी प्रॉपर तरीके से फिजिक्स में, पर यहां भी आपको क्या याद रखना है कि लाइट जब आई वो हीरे में क्रॉस होती रहती है और उसी के चलते आपके पास जो हीरा है वो क्या होता है, हीरा चमकता है। तो इस चीज को याद रखना है कि जो डायमंड है वो चीज क्या करती है, चमकती है। वो चमकती किस कारण से है, क्योंकि लाइट उसको कभी भी क्रॉस नहीं करती। अब हीरे की अगर हम बात करें, ठीक है हमने ये तो समझ लिया कि वो विद्युत का सुचालक है या नहीं है, इट इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी हीरा आपका कुचालक है। दूसरा इसका जो एंगल है वो विश्व का सबसे सबसे मजबूत एंगल है। इस आकार में, इस आकृति में जो चीज भी बनेगी वो आपकी मजबूत ही बनेगी। अच्छा ये चीजें तो हमें समझ में आई, अब मैडम इसका यूज हम कहाँ करेंगे? तो हीरे का उपयोग आपको अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है उसका उपयोग ज्वेलरी यानी कि आभूषणों में किया जाता है। अब एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि ठीक है हीरे तो भाई कई प्रकार के हैं, दुनिया का सबसे महंगा हीरा कौन सा होगा? तो याद रखना नीलमणि यानी ब्लू डायमंड। जो ब्लू डायमंड है वो दुनिया का सबसे महंगा डायमंड है। एक तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा ये तो कुछ बात थी हीरे की, दूसरा यहां पर क्या आएगा, ग्रेफाइट। सेकंड आपके पास आएगा ग्रेफाइट। अब अगर बेटा हम बात करें ग्रेफाइट की, देखो वैसे तो ये चीजें आपके पास, इनका जो कॉन्सेप्ट है ऐसा नहीं है कि 2-3 पॉइंट में ही इस चीज को आप निपटा दोगे। कॉन्सेप्ट इनका बहुत बड़ा है आपके पास, पर वो आएगा आपके एक अलग चैप्टर में, जो मैंने पहले भी बताया था कार्बन और उसके यौगिक। अब इस चैप्टर में इनका सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही है, इसलिए जितना इस चैप्टर के अंदर है इस चीज को हम उतना ही कवर करेंगे। तो जैसे कि ग्रेफाइट की अगर बात करें, पहली बात तो इसकी जो स्ट्रक्चर है, जो इसकी संरचना है वो कैसी होगी, यहाँ क्या याद रखोगे, इसकी संरचना यानी कि स्ट्रक्चर रेखीय
यानी कि लीनियर होता है। एक तो क्या चीज याद रखेंगे कि जो ग्रेफाइट है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा आपके पास, लीनियर यानी कि रेखीय। अब रेखीय किस प्रकार से, मान लो आपके पास कोई ये चीज है, फॉर एग्जाम्पल पेंसिल ही मान लो। ग्रेफाइट का हम क्या ही मानते हैं अभी, इसका यूज करते ही किस में, हम पेंसिल्स में। अब पेंसिल के अंदर आपके पास ऐसे ऐसे लेयर से पेंसिल बनी होती है। अब जो लेयर है, जो ये आपके पास परतें हैं, ये जो परत है, ये लेयर है, ये किस चीज की है, ग्रेफाइट की है। यानी ग्रेफाइट एक रेखीय, एक लीनियर स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है। एक तो ये चीज आपको इसकी ध्यान रखनी है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, ठीक है, ग्रेफाइट तो हमें समझ में आया कि उसकी संरचना कैसी है। अब एक चीज याद रखना, ग्रेफाइट और डायमंड एक दूसरे की इनकी विशेषताएं बिल्कुल विपरीत है। जो चीज हीरा फॉलो करेगा, ग्रेफाइट उसको फॉलो नहीं करेगा। अच्छा, नेक्स्ट इसके अंदर क्या आएगा आपके पास, ये विद्युत और ऊष्मा यानी कि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। अब मुझे एक बात बताओ, आपने डायमंड में सुना कि हीरा जो है वो विद्युत ऊष्मा का कुचालक है, तो ग्रेफाइट क्या होगा, सुचालक। क्यों, क्योंकि उससे विपरीत है, तो ऊष्मा का सुचालक यानी कि गुड कंडक्टर होता है। एक तो इस चीज को भी आपको याद रखना है, दिमाग में बैठा लेना है कि जो आपके पास ग्रेफाइट है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, रेखीय यानी कि लीनियर। दूसरा, ये विद्युत और ऊष्मा का क्या होगा, सुचालक। अच्छा, एक नेक्स्ट इसमें क्या लिखेंगे, ये 120 डिग्री के कोण पर बनता है, यानी कि जब इसको बनाया जाता है, इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो जो एक एंगल होगा वो होगा इसका 120 डिग्री। अच्छा, इसके यूज की बात करें तो इसका प्रयोग, जैसे कि मैंने अभी अभी बताया, किस में करेंगे, पेंसिल में किया जाता है। तो ये बात तो आपके पास कुछ हीरे और ग्रेफाइट की बेसिक बेसिक बातें थी कि जो डायमंड है वो हार्ड है, मजबूत है, किस कारण है, क्यों है, किस में उसको उपयोग होगा, सुचालक है, कुचालक है, सारी चीज। ग्रेफाइट में भी आपके पास सेम वही चीज आई है, बस स्ट्रक्चर संरचना क्या है, इसकी रेखीय यानी कि लीनियर, और कुचालक होगा, सॉफ्ट होगा, और यूज किस में होगा, पेंसिल में होगा। एक तो ये सारी चीज, सॉफ्ट वाला भी ऐड कर लो, ये अत्यंत मुलायम, मुलायम यानी कि सॉफ्ट होता है। तो एक तो ये बेसिक बेसिक बातें जो हैं वो इसकी आपको याद रखनी है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, हमने नेक्स्ट किया था ग्रेफिन, नेक्स्ट आएगा ग्रेफिन। अगर हम ग्रेफिन की बात करें तो ठीक है भाई, हमारे पास अगर आप ध्यान दो ना, ये चीज स्कूल में आती थी, 9th 10th में चीजें आती थी। अब स्कूल में क्या आता था, कार्बन हमने पढ़ा, अप्रूप पढ़े, अप्रूप यानी एलोट्रोप्स आते थे दो, एक डायमंड एक ग्रेफाइट। अब जो फलरेंस है, जो फोर्थ वाला मैंने आपको लिखवाया था, वो भी एक बॉक्स में मेंशन होता था, ऐसा नहीं अभी स्पेशली उसको पढ़ना पड़ता था, उस टाइम कहा भी जाता था ये आपके एग्जाम में इतना नहीं आएगा, तो उस चीज को हम स्किप करते थे। अब जो चीज वहां स्किप हुई, कंपटीशन वही तो लेकर आएगा, इसी बात का तो आपको फोकस करना है। अब यहां देखो, ग्रेफिन, ग्रेफिन स्कूल टाइम में नहीं आया, पर यहां हमें पढ़ना भी है, इंपॉर्टेंट भी है, कुछ इसकी विशेषताएं इतनी जरूरी है, जो चीज हमें जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो ग्रेफिन के अंदर हम पहले तो क्या नोट करेंगे, ये ग्रेफाइट की ही, ये ग्रेफाइट की ही एक परत यानी कि लेयर। सबसे पहले तो आपको क्या याद रखना है कि जो ग्रेफिन है वो आपके पास ग्रेफाइट की ही एक परत है,
परत कैसे? अभी अभी मैंने आपको बताया ग्रेफाइट कुछ इस प्रकार जो है वो आपको पाया जाता है, भी हमें ग्रेफाइट कुछ इस प्रकार दिखता है। अब मैंने कहा इसकी मैं एक परत यूज करूंगी, ये परत ही क्या कहलाएगी? ग्रेफिन। तो इस चीज को भी आपको ध्यान देना है कि इसी की एक परत को हम क्या कहेंगे? ग्रेफिन। एक तो माइंड में ये चीज याद रखनी है। अच्छा, दूसरा हम क्या याद रखेंगे कि अब अगर बात करें, ठीक है, यानी एक भाग है किसका? ग्रेफाइट का ही भाग है, तो ग्रेफाइट की कुछ विशेषता तो ग्रेफिन में भी आनी चाहिए। अब क्या विशेषता आएगी? हम क्या पढ़ते हैं? ग्रेफिन विद्युत और ऊष्मा, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का सुचालक है। तो ग्रेफिन भी क्या होगा? सुचालक, यानी कि बेस्ट कंडक्टर। तो यहां हम एक चीज लिखेंगे, ये विद्युत और ऊष्मा, यानी कि आपके पास हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा सुचालक होता है। एक तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो आपके पास ये क्या नाम है, ग्रेफिन है, वो क्या होगा? हीट और इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा सुचालक होता है, ठीक है, बिजली पास करवाएगा। अब मैडम हमें कुछ ऐसी चीज बताओ जो इसके डिफरेंट हो और जो हमारे काम भी आए, तो उस चीज पे फोकस करना है। क्या चीज? एक तो इसका गलनांक बिंदु, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। एक तो क्या चीज याद रखनी है कि जो ग्रेफिन है, ग्रेफिन हैज नो मेल्टिंग पॉइंट। अब आप कहेंगे कि नहीं मैडम, अगर हम सर्च करेंगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट तो आएगा, दुनिया में ऐसा कोई तत्व नहीं है, कोई चीज नहीं है जिसका मेल्टिंग पॉइंट ना हो। एक पारा पढ़ते हैं, पारा मरकरी, एक तरल अवस्था में पाई जाती है, विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट, लेकिन उसका भी गलनांक बिंदु यानी कि मेल्टिंग पॉइंट मौजूद है, जो हम क्या पढ़ते हैं? -39 डिग्री सेल्सियस। ये चीज आप देखते हो। अब आप कहोगे मैडम वो ऑलरेडी जब पारा जो है वो तरल अवस्था में है, फिर उसका मेल्टिंग पॉइंट क्यों है? बच्चों, क्योंकि ऐसा कोई चीज नहीं है, ऐसा कोई तत्व नहीं है जिसका मेल्टिंग पॉइंट मौजूद ना हो। उसी प्रकार से, ठीक है, अब मैंने ये पॉइंट तो लिख दिया कि इसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, इसका मतलब क्या है? एक चीज तो याद रखना, जो ग्रेफिन है उसको मेल्ट तो किया जाता है, मेल्टिंग पॉइंट इसका मौजूद है, पर वो जो मेल्टिंग पॉइंट है उस पर ये पिघलेगा नहीं, मेल्ट नहीं होगा, उस पर ये भाप बनेगा, धुआं करेगा। तो वो चीज क्या है आपके पास कि ये सीधा ठोस से गैस अवस्था में बदला है, तो उस केस के जरिए हम मेल्टिंग पॉइंट इसका नहीं कहेंगे, पर वो धुएं में बदला है उसमें भी तो कोई ना कोई आपने तापमान दिया है, उस तापमान को यहां मैं मेंशन करूंगी। पर याद रखना है, अगर आपके पास कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आए, ग्रेफिन का गलनांक बिंदु, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, तो सबसे पहले नो यानी कि नहीं को आपको प्रेफरेंस देनी है। एक तो इस चीज को याद रखना। अच्छा, यहां पर और क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक बिंदु होगा कितना? लगभग आपके पास अप्रोक्स 3000 डिग्री सेल्सियस। एक तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, लेकिन साथ ही मैंने क्या बताया कि जो ग्रेफिन है, ग्रेफिन ठोस अवस्था से गैस अवस्था में, बदलता है, यानी कि सॉलिड से गैसियस स्टेट में, जिसको हम क्या कहते हैं, एक प्रोसेस आता है ना आपके पास सब्लिमेशन, सब्लिमेशन प्रक्रिया कहा ही उसे जाता है, जो चीज आपकी ठोस से गैस में बदली जाए, यानी कि ये प्रोसीजर जो है वो किस में लागू होता है? आपके ग्रेफिन में। एक तो इस चीज को आपको ध्यान से करना है। देखो बच्चे, ग्रेफिन है वो क्या है? आपकी ग्रेफाइट की एक परत है। दूसरा, आपके पास विद्युत और ऊष्मा, हीट और इलेक्ट्रिसिटी की क्या होगी? अच्छी सुचालक। नेक्स्ट, इसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये ठोस यानी सॉलिड से किस में कन्वर्ट होगी? गैस में। चौथा,
अब ये गैस में हुई है तो कुछ तापमान पर हुई है जो आपका अप्रोक्स कितना होगा 3000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। कुछ दो तीन चीजें ही हैं जो चीज इंपॉर्टेंट है और वो आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, एक होगा इसका यूज, तो हम क्या लिखेंगे? इसका प्रयोग, याद रखना ग्रेफिन जितना आपको हल्का दिख रहा है इसका यूज उतनी ही चीजों में किया जाता है। मेनली इसका यूज होगा बुलेट प्रूफ जैकेट्स, जितनी भी आपकी बुलेट प्रूफ जैकेट होती है जो हमें भी आपके पास जो गोलियां लगने से वो चीजें बचाती हैं, वो उसमें किस चीज का यूज होता है आपके पास? ग्रेफिन का। तो याद रखना इसका प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट्स और इसका जो यूज है, इसका जो उपयोग है वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स और मोबाइल के स्क्रीन गार्ड्स में किया जाता है, और मोबाइल के स्क्रीन गार्ड्स में किया जाता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि ग्रेफिन का यूज कहाँ, कैसे, किस चीज के लिए किया जाता है। तो ये बात तो बच्चों थी ग्रेफिन की। लास्ट बट नॉट द लिस्ट आपके पास रह गया है बकमिंस्टर फ्लोरेंस। तो नेक्स्ट आपके पास आएगा, फोर्थ लिखो, बकमिंस्टर फ्लोरेंस, जिसका दूसरा नाम क्या होगा? फ्लोरेंस, साथ ही पकी बोल। देखो आपके पास एक फोर्थ चीज आई है जिसका नाम है बकमिंस्टर फ्लोरेंस, जिसका डिस्कशन थोड़ा सा मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको किया था, वो सारी चीजें आपको बताई थी, बस उसको थोड़ा अच्छी तरीके से हमें नोट करना है। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगा जैसे आपकी फुटबॉल होती है, तो उस प्रकार से इसको ध्यान से करना है, थोड़ा सा बॉल के जैसा इसका स्ट्रक्चर जो है वो आपको रखना है। अच्छा, ये चीज है आपके पास फ्लोरेंस, बकी बॉल नाम है इसका, बकी बॉल, बक बॉल, चाहे वो आपको वॉलीबॉल ही क्यों ना दे, माइंड में रखना है जैसी बॉल आई वो बात चल रही है यहाँ पर बकमिंस्टर फ्लोरेंस की, जो किसका प्रूफ है? कार्बन का। तो यहाँ पर पहले तुम क्या लिखेंगे? ये 60 कार्बन से मिलकर बनता है, यानी कि ये कितने कार्बन से मिलकर बनता है? 60 कार्बन से मिलकर बनता है, जिसके कारण इसे कार्बन 60 भी कहा जाता है। तो एक तो इस चीज को ध्यान रखना है कि जो ये बकमिंस्टर फ्लोरेंस है ये कितने कार्बन से मिलकर बनता है? ये 60 कार्बन से मिलकर बनता है, और इसी के कारण इसे क्या कहा जाता है? कार्बन 60। एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, इसकी जो खोजकर्ता है यानी कि इसकी जो खोज है वो किसने की है? तो याद रखना एक तो आपके पास आएंगे कार्ले, एक नाम है आपके पास कार्ले। अच्छा, दूसरा आपके पास आएगा ई स्माले। साइंटिस्ट इसके इतने नहीं पूछे जाते, पर जो भी है वो आपको याद रखने हैं। एक कार्ले और दूसरा आपके पास होगा ई स्माले, जिनको आपको पढ़ना है ध्यान से। अब ये बात तो थी किसकी? बकमिंस्टर फ्लोरेंस की। ज्यादा कॉन्सेप्ट कार्बन का कुछ है नहीं, कार्बन में मेन पूछे जाते हैं बच्चों उसके अपरूप, उसके एलोट्रोप जो कितने हैं? 4 हैं, हीरा, ग्रेफाइट, ग्रेफिन, फ्लोरेंस। चारों की विशेषताएं क्या, चीज कहाँ से कहाँ तक की करनी है, वो सारी चीज मैंने आपको बताई है। इससे बाहर, इससे ज्यादा इसमें डीपली नहीं पूछते। तो ये बात तो आपके पास कार्बन के अपरूप की थी। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या चीज करेंगे? हेडिंग नोट करो। नेक्स्ट आपके पास आएगा
कार्बन के यौगिक, कार्बन के यौगिक यानी कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कार्बन के यौगिक कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। अब इस कंपाउंड्स में, इस यौगिक में हम क्या पढ़ेंगे, यौगिक शब्द पहले भी आया है, जिसका मतलब क्या है, कार्बन के साथ ऐसा कौन सा तत्व मिलेगा और वो तत्व मिलकर क्या चीज बनाएगा, वो चीज हम किस में पढ़ते हैं, कंपाउंड्स में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला आपके पास आएगा, फर्स्ट लिखो कार्बन डाइऑक्साइड CO2। देखो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी नहीं है कि हमने भाई सुनी ही नहीं, बहुत सुनी भी है, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हम काफी कुछ जानते भी हैं, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हम कुछ पॉइंट्स कार्बन डाइऑक्साइड के कहेंगे। देखो कार्बन डाइऑक्साइड का रोल होता है हमारे रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन प्रक्रिया में। अब श्वसन प्रक्रिया में आप कहेंगे हम तो सांस लेते हैं, सांस लेने में जरूरत है किसकी, हमारे ऑक्सीजन की, ठीक है, वो चीज तो है जरूरी, बट ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, रिलीज भी तुम करते हैं, रिलीज हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर हम क्या चीज लिखेंगे, इसमें मेंशन करो इसका प्रयोग श्वसन प्रक्रिया, इसका प्रयोग श्वसन प्रक्रिया यानी कि रेस्पिरेशन में किया जाता है। भी इसका जो यूज है वो किसमें करते हो, रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन प्रक्रिया के अंदर, एक तो ये चीज। अच्छा दूसरी हम इसमें क्या मेंशन कर सकते हैं, एक आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बनता कैसे है, अब बना है तो हमारे लिए विषैली गैस है, हमारे लिए अच्छी गैस है, किस प्रकार से बॉडी के लिए ये चीज जरूरी है, तो उसी के चलते हम इसमें क्या मेंशन करेंगे, आपके पास आएगी जब कोयला यानी कि कोयल, हम कोयला पढ़ते हैं ना आपके पास भी, कोयला जो है कोयले की खान भी है, अब कोयले को जलाया भी जाता है, कोयले को जलाने पर जो गैस प्राप्त होगी वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। अब माइंड में एक चीज याद रखना, जो आपके पास कोयला होगा यानी कि आपके पास जो कोल है, उस चीज को आपने क्या किया, बर्न किया, अब बर्न किया तो हमें कौन सी गैस मिली, CO2, वहां से हमें CO2 मिली। कई बार जो कोयला है वो आपका आधा जलता है, यानी कि ये चीज क्या हुई, कंप्लीट नहीं जली, और यहां से हमें मिलती है एक विषैली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका डिस्कशन इससे नेक्स्ट टॉपिक में ही करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद आपका कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, पर माइंड में अभी एक स्टोरी सेट आपको रखनी है, कोयले को जो पूरी तरीके से जलाया जाता है तो कौन सी गैस उसमें से निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और अधूरा जलेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसी को देखते हुए लिखो, जब कोयले को पूरी तरह से जलाया जाता है तो उसमें से CO2 गैस प्राप्त होती है, यानी जब भी कोयले को पूरी तरीके से हम जलाएंगे तो कौन सी गैस रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये बात तो इसकी है। अच्छा नेक्स्ट हम इसमें क्या मेंशन करेंगे, CO2 का उपयोग फायर एक्सटिंग्विशर यानी जो आग बुझाने वाले सिलेंडर आते हैं ना, उसमें मेनली कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, आग बुझाने वाले, आग बुझाने वाले सिलेंडर, ये चीज याद रखनी है। CO2 गैस का उपयोग हम एज अ फायर एक्सटिंग्विशर करते हैं। अच्छा ये बात तो भाई ठीक है, हमें समझ में आई, ठीक है मैडम। अच्छा CO2 के वैसे तो उपयोग बहुत सारे हैं भाई, अब बात है ये हमारे लिए विषैली है या नहीं है, तो याद रखना जहरीली तो है लेकिन कम जहरीली है, हमें मतलब इट डज नॉट कॉजेज डेथ, हमें मृत्यु ये नहीं प्रदान कर सकती। तो इस चीज में हम क्या लिखेंगे, ये गैस कम
विषैली गैस है. इट इज लेस टॉक्सिक गैस. इस चीज को ध्यान रखना है कि जो ये गैस है ये कम विषैली, यानी कि आपके पास बहुत कम जहर वाली है. हाई आपके पास टॉक्सिक नहीं है, लेस टॉक्सिक है. एक तो ये चीज याद रखनी है. दूसरा एक चीज पढ़ते हो बायोगैस. एक चीज पढ़ते हैं हम बायोगैस. बायोगैस कई बार हम किसको बोलते हैं, गोबर गैस जो आपकी आती है. यानी एक तरह से हम उसमें क्या लिख सकते हैं, गोबर गैस. अब बायोगैस क्या चीज है, जब भी आपके पास जो मीथेन गैस होती है, एक जहरीली गैस भी होती है मीथेन. मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, चार स्रोत ऐसे हैं जो मिलकर क्या बनाएंगे, आपकी बायोगैस. तो इस चीज में भी, बायोगैस में भी इसका उपयोग किया जाता है. तो ऐसे ऐसे आपके पास आपको बच्चों कई यूज मिलेंगे. जो कार्बन डाइऑक्साइड को हम डे टू डे लाइफ में कई जगह यूज करते हैं. तो ये कुछ बात थी आपके कार्बन डाइऑक्साइड की. अब नेक्स्ट आपके पास आएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि CO. इसकी विशेषता मैंने अभी अभी आपको बताई कि जब आपके पास क्या हो, भी जो कोयला है वो पूरा ना जले, आधा ही जले, उसी से जो गैस प्राप्त होगी वो कौन सी होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड. जितने भी आपके होते हैं ना चूल्हे अंगीठी, इनमें से भी कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड. तभी तो आप नोटिस करते हो ये जो चूल्हे है, ये जो अंगीठी है, इनको कभी भी हम बंद कमरों में नहीं रखते, खुले में ही रखते हैं और ना गेट वगैरह बंद करते. क्यों, ये गैस एक तो आपकी अत्यंत विषैली है, हाईली पॉइजनस, बहुत टॉक्सिक है और आपको ये मृत्यु प्रदान कर सकती है. तो इसलिए क्या याद रखना है, ये अत्यंत विषैली गैस है. ये अत्यंत विषैली गैस है, यानी कि इट इज हाई पॉइजनस या फिर टॉक्सिक गैस. एक तो ये चीज इसकी आपको याद रखनी है. अच्छा दूसरा इसमें आपके पास क्या आएगा कि ठीक है हमें समझ में आया कि ये जहरीली है, चूल्हे अंगीठी इन चीजों में से भी ये गैस प्राप्त होती है. दूसरा क्या याद रखना है आपको कि कार्बन मोनोऑक्साइड CO गैस कोयले के अधूरे जलने पर प्राप्त होती है. तो इस चीज को भी याद रखना है कि आपके पास जो कोयला है वो चीज पूरा ना जले, आधा ही जले. कहते हैं ना एक अधूरा बदला ज्यादा घातक होता है, वही चीज इसमें है कि ये चीज तब आपके लिए हानिकारक यानी कि हाईली पॉइजनस होगी. तो ये कुछ बात थी आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड की. तो हमने देखो कार्बन डाइऑक्साइड समझा, कार्बन मोनोऑक्साइड समझा. एक आपके पास आता है क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म जो होता है, जो हम जिसको हम सूंघने पर बेहोश होते हैं, तो वो चीज आपके पास देखो कार्बन लिखो कार्बन में आ सकती है, क्लोरीन लिखो वो चीज क्लोरीन में आ सकती है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है, CHCl3, पर हम प्रेफरेंस देंगे उसको क्लोरीन के अंदर. क्यों, क्योंकि कार्बन तो सबके साथ ही ऐड होता है. तो कार्बन के तो चाहे आप कितनी चीजें देख लो. एक तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है. अब नेक्स्ट हमारे पास तत्व जो है वो आएगा क्लोरीन. तो नेक्स्ट तत्व लिखो, नेक्स्ट तत्व आएगा क्लोरीन. कलर हम थोड़ा सा दूसरा देख लेते हैं, डार्क हो गया ना. तो यहां पर क्या चीज ऐड करोगे, क्लोरीन, जिसका सिंबल क्या होता है, क्लोरीन का आपके पास ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, पर जितना भी बच्चों कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा ध्यान से दिमाग में बिठा के करना है. अब फ्लोरीन क्या है, एक तो याद रखना है इसका प्राकृतिक रंग, इसका प्राकृतिक रंग यानी कि नेचुरल
कलर कौन सा होगा? जहां ये कलर स्मेल इनकी बात आए, वो चीज भी माइंड में रखनी है कि इसका जो नेचुरल रंग है, जो प्राकृतिक रंग है, वो क्या होता है? सफेद यानी कि वाइट होता है। एक तो ये चीज, जो इसका नेचुरल कलर है वो क्या होगा आपके पास? वाइट। दूसरा, जब ये H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन करता है, जब भी आपके पास जो फ्लोरीन है वो H2S के साथ जब भी रिएक्शन करेगा तो कौन सा कलर देगा? ये चीज याद रखनी है। जब ये H2S के साथ अभिक्रिया यानी रिएक्शन करता है तो यह पिंक यानी कि गुलाबी रंग, पिंक कलर देता है। इस चीज को याद रखना है। तब इसका सफेद से रंग किस में बदलेगा? गुलाबी यानी कि पिंक में। ये बात तो आपके पास रंग की थी। दूसरा क्या याद रखना है इसमें? H2S में से ना एक स्मेल आती है, याद रखना। क्या? सड़े अंडे की स्मेल। एक तो इस चीज को हम याद रखेंगे कि आपके पास जो H2S है, कई बार अलग से भी पूछ लेते हैं कि जो H2S है उसकी स्मेल कैसी होती है, तो याद रखना है सड़े अंडे की स्मेल। एक तो ये चीज याद रखनी है। अच्छा, दूसरा आपके पास क्या आएगा? ये जिनोन के साथ यौगिक यानी कि कंपाउंड बनाता है। ये जिनोन यानी कि आपके पास XE के साथ कंपाउंड बनाता है। अब कहोगे, मैडम ये जिनोन क्या चीज है? धातु है। धातु एक क्या चीज है? एक आपके पास बच्चों चैप्टर आएगा, अभी तो नहीं, थोड़ा सा बाद में आएगा, पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, आइडिया दे देती हूँ। आपके पास एक चैप्टर आएगा जिसका नाम है आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल का मतलब क्या है? या मैडम आपने डायग्राम बनाया, इसका मतलब क्या है? इसे सबसे पहले तो याद रखना, हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी। एक तो ये चीज, दूसरा उस चीज में तो देखो हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, इसमें क्या चीज आएगी, क्या चीज नहीं आएगी, किसने इसको बनाया, क्या सोचकर बनाया, क्या बंदे की मानसिकता थी, वो चीज तो आएगी बच्चों इस चैप्टर में। अभी के लिए आपको क्या याद रखना है कि ये आपके पास कुछ इस प्रकार की टेबल है। जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स यानी कि तत्व, जो कि कितने हैं बताया था ना, 118, सारे के सारे तत्व इसी में पाए जाते हैं। तो एक तो ये चीज। अच्छा, दूसरा आपके पास क्या है? इसमें ना ऐसा सीधी सीधी लाइन होगी, ऐसे कुछ इस प्रकार से, ये चीज भी आपके पास एक सीधी सीधी लाइन यानी कि एक रो है, कुछ इस प्रकार से चीजें बनी है। बस अभी मैं आपको आइडिया लेने के लिए थोड़ा सा रफली बता रही हूं, अभी माइंड में याद रखना, कुछ इस प्रकार की टेबल है। और ये बीच में जो ब्लॉक्स हैं, ये आपके तत्व यानी कि एलिमेंट्स हैं। 118 तत्वों को ऐसे ऐसे अरेंज किया गया है। तो एक तो ये चीज। अच्छा, दूसरा आपके पास क्या आएगा? एक लास्ट वाली लाइन होती है, ये लास्ट वाली, ये जो ये रो है इसको हम कहते हैं नोबल गैस, आपकी अक्रिय गैस। अब अगर हम समझें कि मैडम नोबल गैस का क्या मतलब है, नोबल गैस का मतलब है ऐसी आपके पास तत्व, ऐसी गैस जो किसी के साथ यौगिक यानी कंपाउंड ना बनाए। इसमें स्पेशली आपके वही एलिमेंट्स अरेंज है जो किसी के साथ कंपाउंड नहीं बनाते। फॉर एग्जांपल, अगर हम थोड़ा सा आइडिया लें तो आपके पास कौन कौन से आएंगे? हीलियम, नियोन, आर्गन, जिनोन, आपके पास रेडोन। जो ये चीज है, जो ये तत्व है, ये आपके क्या है? नोबल गैस। जैसे कि मैंने बताया, नोबल गैस उन्हें कहेंगे जिसकी किसी के साथ ना बनती हो, जो किसी के साथ कंपाउंड यौगिक ना बनाए। इकलौता जिनोन ऐसा एलिमेंट है, ऐसा तत्व है, ऐसी नोबल गैस है जो क्या कहेगा?
नहीं भाई मैं तो बनाऊंगा, मैं तो कंपाउंड बनाऊंगा, तुम्हें नहीं बनाना तुम ना बनाओ। तो इसीलिए जिनोन को क्या कहा जाता है, एक स्पेशल इसको उपाधि दी गई है, किस चीज की? स्ट्रेंजर गैस। स्ट्रेंजर का मतलब ही क्या होता है? अजीब, यानी कि जो जिनोन है उसको स्ट्रेंजर गैस कहा गया है। भी आपके पास जितनी भी नोबल गैस है वो सारी की सारी कंपाउंड नहीं बनाती, किसके अलावा? जिनोन के अलावा। अब पूछेंगे भाई तू अलग हुआ है तो तू किसके लिए हुआ है? जिनोन से पूछेंगे कि तू कंपाउंड तो बनाने चला है तो किसके साथ बनाएगा? अब याद करो हम जो टॉपिक कर रहे थे, भी क्या चीज आएगी आपके पास? फ्लोरिन, यानी कि उसने कंपाउंड किसके लिए बनाया? फ्लोरिन के लिए। ऐसे भी याद कर सकते हो, एफ से फ्लोरिन, एफ से फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप करने के लिए वो अपने परिवार से जो है वो अलग हुआ है। तो यहां पर आपके पास क्या आएगा कि जिनोन के साथ यौगिक बनाता है, जैसे कि Xe F2, Xe F4, Xe F8। तो इस प्रकार के कुछ यौगिक जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो यानी कि आपको इस फ्लोरीन को अच्छे से याद रखना है। फ्लोरीन का नेचुरल कलर क्या है, किसके साथ क्या रिएक्शन करेगा? रिएक्शन करेगा तो आपके पास ये चीज क्या बनाएगा? तो सारी चीज, रंग इसका सफेद। H2S के साथ रिएक्शन करेगा तो कैसा रंग देगा? पिंक, यानी कि गुलाबी। H2S में से स्मेल कैसी आएगी? सड़े अंडे की स्मेल। दूसरा, ये किसके साथ रिएक्शन करेगा? जिनोन के साथ। जिनोन एक नोबल गैस है, पीरियोडिक टेबल में जो लास्ट में आती है, ग्रुप नंबर 18। अभी ये ग्रुप क्या कहा मैडम आपने, ये चीज पढ़ेंगे हम आवर्त सारणी के चैप्टर में। तो यहाँ पर इन चीजों को आपको याद रखना है। तो ये बात थी आपके पास थोड़ी सी फ्लोरिन की। अब नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, नेक्स्ट नोट करो, फॉस्फोरस। नेक्स्ट आपके पास आएगा फॉस्फोरस। अब फॉस्फोरस का क्या है? फॉस्फोरस का ज्यादा लंबा चौड़ा कोई आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है, बस फॉस्फोरस में मेनली आपको क्या याद रखना है, जो चीज याद रखनी है सिर्फ आपको वही पढ़नी है, फालतू का आपको उस चीज के अंदर कोई डूबने की जरूरत नहीं है। तो अब आपके पास कौन सा एलिमेंट है? फ्लोरिन एलिमेंट, सॉरी, आपके पास फॉस्फोरस है। तो फॉस्फोरस में सबसे पहले आप क्या चीज मेंशन करोगे, यहां नोट करो, फॉस्फोरस। देखो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, मैं आपको अभी भी बता रही हूं कि 1 से 20 तक के तत्वों के नाम, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, सारी चीज बच्चों को घोट के पी जाओ, वो चीज बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अब फॉस्फोरस की बात करें तो याद रखना ये तीन प्रकार का होता है, यानी कि आपके पास इट इज ऑफ 3 टाइप्स। ये 3 प्रकार का होता है। एक तो इस चीज को आपको याद रखना है कि कितने टाइप्स का है, दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन सा? एक तो होगा रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस यानी कि आपके पास लाल फॉस्फोरस। अच्छा, एक आपके पास होगा व्हाइट फॉस्फोरस। नेक्स्ट आपके पास होगा ब्लैक फॉस्फोरस। तो आपको इन कुछ फॉस्फोरस को याद रखना है। एक आपके पास होगा रेड फॉस्फोरस, एक आपके पास होगा ब्लैक फॉस्फोरस, एक आपके पास होगा व्हाइट फॉस्फोरस। तीनों फॉस्फोरस का कहाँ कहाँ यूज होगा? लाल, सफेद, काला, तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसमें मेनली आपके पास रेड फॉस्फोरस की बात करें तो याद रखना इसका उपयोग माचिस की तिल्ली में किया जाता है। इसका उपयोग माचिस की तिल्ली यानी कि मैच स्टिक में किया जाता है। मैच स्टिक में किया जाता है। अब मैच स्टिक में कहा मैडम, वो तो लकड़ी की बनी होती है बेटा, जो ऊपर बनी होती है, जो चीज आपकी जलती है, यानी कि इस प्रकार से। तो इसके ऊपर कुछ ऐसी ऐसी आपके पास माचिस की तिल्ली होगी। ये जो रेड है ये बना है किससे? लाल फॉस्फोरस
फॉस्फोरस से, और इसके ऊपर जो ये मसाले देखते हो ना, जो ब्लैक ब्लैक डॉट होती है, वो चीज क्या होती है यहाँ पर? लेड। लेड यानी कि सीसा, पीबी। इस चीज को भी आपको याद रखना है। बाकी ये तो लकड़ी की ही बनी होती है, तो आप माचिस की तिल्ली यानी उसमें किसका यूज होता है? रेड फॉस्फोरस का। एक तो आपको ये चीज याद रखनी ही रखनी है। दूसरा, व्हाइट फॉस्फोरस का यूज होता है एक तो आपके पास हड्डियों में, और साथ ही आपके पास जो बम विस्फोट होता है, और बम विस्फोट में, बम विस्फोट में हम ये चीज देखते हैं ना, जब आप पटाखे फोड़ते हो। अभी कल ही दिवाली थी, कल आपने नोटिस किया व्हाइट व्हाइट नीचे भी होता है फर्श के ऊपर। हम क्या कहते हैं, देखो चीजें जल गई, फर्श जल गया, वो चीज क्या रहती है आपकी? व्हाइट फॉस्फोरस ही है, जो चमकीली होती है। अब इधर से एक क्वेश्चन और आपका बनता है। आपको कहा जाता है जितनी भी अधातु है, याद करो हमने की भी थी ये चीज, नॉन मेटल्स आपकी चमक रहित होती है सिवाय किसके? एक उनमें से ऑप्शन, एक आंसर आपका फॉस्फोरस भी था, और वो कौन सा फॉस्फोरस है आपका? व्हाइट फॉस्फोरस। यानी इसमें आप क्या चीज लिखोगे कि ये चमकता भी है, एक्सेप्शन यानी कि अपवाद। तो इस चीज को याद रखना है कि जो व्हाइट फॉस्फोरस होगा ये आपका चमकता भी है, और इसका यूज किसमें करते हैं हम? हड्डियों में या बम विस्फोट में। अब ब्लैक फॉस्फोरस की अगर बात की जाए कि ठीक है मैडम, दोनों का तो हमें पता चला भी किसमें करते हैं। अब ब्लैक फॉस्फोरस का यूज आपका मेनली टू मेनली जितने भी होते हैं ना आपके मशीनरी काम्स होते हैं, तो उन्हीं चीजों में, इन मशीनरी उन्हीं चीजों में इसका उपयोग आता है। ज्यादा आपके पास इस चीज का यूज नहीं होता। रेड है और आपके पास व्हाइट है, दोनों फॉस्फोरस आपको अच्छे से याद रखने हैं। अच्छा, ये बात तो कुछ थी आपके पास अधातु की। आज हमारे अधातु जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे पास सिर्फ उपधातु यानी कि मेटलॉइड्स ही बचे हैं, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे सारे कंप्लीट हो जाए। मेटलॉइड्स यानी उपधातु का ज्यादा लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, पर मैं कोशिश करूंगी कि उपधातु आपको कंप्लीट करवा कर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में ही करवाऊं। तो इसीलिए नेक्स्ट वीडियो को थोड़ा ध्यान से करना है, और उससे पहले जितनी भी हमारी ये वीडियोस गई हैं, 3 वीडियो टोटल आपके पास आई है किसकी? धातु और अधातु की। तो उसको बेटा ध्यान से करना है और अच्छे से अपनी तैयारी करते हुए चलना है। तो जय हिंद, जय भारत, मेरा आपको नमस्कार।